there are so many varieties of for the chocolates. हम दिल दे चुके सनम फिल्म याद आ गई देख के शॉट। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए समुद्र की तरफ है, नीस में है अभी, नीस में है। तो चलो चलते हैं। तो ये हम नीस में निकल गए हैं घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ पर रोड पे ऐसी छोटा सा ये ट्रेन की पटरी बन गई, ये ट्राम है, ट्राम। वाह तो कितना अच्छा व्यू है पीछे। और ये देखिए छोटा कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह हैं, लाजवाब। मैंने तो जहाज में बैठ के मैगी बनाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये साथ में सोनू है हमारे, रितेश बांसुरी वादक, रॉकस्टार तो हमारे साथ है एक्चुअली जो वीडियो कर रहे हैं। और हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है नीस में, नीस का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है यार, और प्लेजेंट, बहुत ही बेहतरीन मौसम। और कितना साफ सुथरा है, देखिए कितना साफ सुथरा है, रोड देखिए कितने क्लीन है, और ट्रैम देखिए यहाँ पर कितना ट्रैम चलती है अभी यहाँ से। और बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देखिए, जो यहाँ का एक ट्रेडिशनली जो एक बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी यूरोप के अंदर, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है मोस्टली। अभी नहा के आएंगे यहाँ पर पिक्चर खींचने, क्योंकि नहा के तो आएंगे तभी यार, अभी तो एक्चुअली अभी हम पहुँचे थे होटल, तो अभी बस वहाँ से हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा खाना खा के थोड़ा सा निकल के आते हैं, बाकी हम लोग रेडी होके आएंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह घूमेंगे। यहाँ बहुत खूबसूरत, यहाँ देखिए कितना बिल्डिंग्स हैं, ये रोड्स देखिए। अभी सामने आपको देखिए जो यहाँ का सबसे मशहूर चीज़ है, यहाँ की जो सी है, यहाँ का समुद्र आपको दिख रहा होगा। हालांकि हम रेड पे निकल गए हैं, लेकिन निकलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि खाली था रोड, इसी से हम यहाँ से रेड लाइट पे ही निकल गए। ऐसा होता है यूरोप में, क्योंकि वहाँ हर रेड लाइट पर वो बना होता है वॉकिंग के लिए, कि हमें रोड अगर क्रॉस करना है तो वहाँ पर वो ग्रीन बन के आ जाता है इसी वॉकिंग में। व्लॉगर, इंडियन व्लॉगर, कितना खूबसूरत देखा ये, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। जहाज में देखा था मैंने, हाँ ये फ्लाइट यहाँ मैंने ब्लॉग बनाया इसका, फ्लाइट उतर दिया ना मैं यहाँ से। हाँ क्या खूबसूरत, वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब यहाँ आ जाओ यार, थोड़ा सा सुहाना मंजर है माशाल्लाह। तो क्या देखो क्या सीन है, ये आप देखें, अभी नीचे भी चलते हैं हम लोग देखते हैं। देखो ये सी जो समुद्र का जो पानी है बिल्कुल है ना, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन एंड ब्लू, और देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है सामने से। बाकी आप लोग इसमें देख रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सामने से देखने का एक अलग ही मजा है। तो ये आप देख सकते हैं, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, फ्लाइट में बड़े आज सुबह नहाए भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही निकल गया था सुबह अर्ली की अर्ली मॉर्निंग हमें। हाँ, और मेरी वजह से भी नहीं सो पाई पूरी रात के जागे में, टेंशन भी थी कि भाई आ रही है वहाँ से, हाँ इतने टाइम पर उनका इमिग्रेशन होगा और ये होगा सारा, वो टेंशन थी, मैं रात में सो नहीं पाया कि भाई किसी टाइम इनका फोन आ सकता है। हाँ। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि पहुँच गए सब तरीके से। पहले मेन ये चीज़ ये थी कि इनका इमिग्रेशन क्लियर हो जाए और ये सही फ्लाइट में बैठ के पहुँच जाए। देखो जरा सुभान अल्लाह, ये मंजर देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। ये कौन पानी के अंदर, ये लोग मछली शिकार कर रहे हैं, उन्होंने डाल रखा है।
पानी की लहरें बहुत खतरनाक है भैया, इधर आ जाओ तुम। अरे आया बहुत तेज, लहरें बहुत तेज है। ज्यादा ठंडा नहीं है पानी यार, ठीक है सुन यार, नहा सकते हैं हम लोग? नहीं कोई नहीं नहाएगा, बहुत गहरा पानी है, नहाओगे? नहीं नहीं नहा सकते, बहुत गहरा पानी में देखकर नहीं नहाएंगे, मैं भी जाऊंगा। नहीं नहाएंगे? अच्छा है पानी, यहाँ तक पास तक जा सकते हैं, लेकिन देखिए आपको तो नहीं, भाभी ये बहुत गहरी नदी है, ये बहुत गहरा नहा रहे हैं यार, ये गहरा वाला सी है, कुछ पता मतलब आराम की तय कुछ नहीं पता है कितनी होगी। देखो नहीं नहीं आगे थोड़ी है ना, देखो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, उसका आगे का पता नहीं। ये प्लेन जा रहा है ऊपर से देखिए, क्योंकि उधर एयरपोर्ट है वहाँ से निकल के, ये मेरी ऐसी आई थी, मैंने भी देखा था। सुभान अल्लाह, मुझे तो डर लग रहा है आगे जाते, मैं भी मैं नहीं आऊँगा अभी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अभी थोड़ा सा हम जाते हैं और कहीं घूमने के लिए, टहलने के लिए। ये बढ़िया देखो पानी का कलर, ये पानी का कलर चिकन होता तगड़ा, मतलब तगड़ा सही है, अच्छा। हम दिल दे चुके सनम फिल्म याद आ गई देख के, शॉर्ट हम दिल दे चुके सनम। मैं चाह रही हूँ मैं हर एक मिनट आप लोगों को वीडियो दिखाऊँ, कुछ भी मिस ना करूँ। अब ये आप लोगों का प्यार होगा कि आप इसको काट दें या इसको देखें, मैं तो आपको सब कुछ दिखाते चल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वो आगे बढ़ाएं और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा पूरा प्यार दें। इतनी थकी हुई थी मैं, होटल जाके खाना खाया है, वो खाना खाने के बाद निकल गई हूँ बस। क्या बात है, वाह थक गई थोड़ा सा, क्योंकि अब ये चल रहे थे बहुत देर, तो अभी हम यहाँ पर आके बैठे, कुछ लेते हैं, कुछ ठंडा वगैरह। अगर मैं लग रहा हूँ कि जैसे कि कोई होता नहीं ऑर्डर देने आते कि सर क्या लेंगे। ओह नो मैन, यू आर द स्टार। जो ये चीज़ मिली, ये चीज़ है सारी, ये ऊपर लिखा सब कुछ ऊपर से दिखाऊंगा। ये चीज़ है अलग अलग तरह की, ये चिकन है, ये फिश है, अच्छा। ना पीसीस मिल रहे हैं, ये वैसे कच्चा है गोश्त, मटन वगैरह होगा, ये बीफ या मटन क्या मची, देखो ये फ्रूट्स हैं, इस हिसाब से देखिए ये की ये अवाकादो अपने, ये कीवी, ये मैंगो जो है, मैंगो तो हमारे मैंगो है 3 यूरो 29 के एक किलो, तो 3 यूरो का मतलब हो गया 9 या 18 और ऑलमोस्ट ये 200 रुपये का हो गया, समझ लो 200 रुपये किलो। ये सब्ज़ी कैसे मिल रही है यहाँ पर, ग्रेट सब्ज़ी देखो ना माशाल्लाह, इतना अच्छा कलर है, साफ सुथरी प्रॉपर ग्रीन कलर एकदम, कितना साफ है और कितना सिस्टम से मतलब, पत्ते देखिए कितने क्लीन है, वेरी क्लीन, बढ़िया। देयर आर सो मेनी वैराइटीज ऑफ फॉर द चॉकलेट्स, यू कैन सी चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नट्स, दीज आर ऑल्सो चॉकलेट्स, यू कैन सी इट्स यू नो, ये बिटर होती है, थोड़ी सी कड़वी होती है, ये भी डार्क चॉकलेट से ये ज़्यादा हेल्दी होती हैं, ये जैम्स है, ये आइसक्रीम है, देखिए आइसक्रीम के पैकेट्स हैं, वो नीचे आइस क्यूब्स हैं, बर्फ़ की जो बर्फ के गोले बर्फ के गोले कहते हैं, पानी की बॉटल, और ड्रिंक्स है कोक वगैरह हो गया, पानी की बॉटल्स देखिए कितनी सारी वैरायटीज है, और ये देखिए पिज़्ज़ा है, रेडीमेड पिज़्ज़ा, बस आप ये ऐसे खरीदिए, ये पूरा ये 4 यूरो का है, ये 5 यूरो का है, बस इसको लीजिए ओवन में डालिए, गर्म करिए और खाइए, वाह इजी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिया में भी मिल जाते हैं यहाँ पर सब।
खाने के बाद कुछ मीठा खाने के लिए चॉकलेट्स के हैं, कैरेमल होते हैं ना, अच्छा कैरेमल है, कुछ दही के हैं, कुछ लीची के हैं, अलग अलग फ्रूट्स के होते हैं। ये दूध देखिए, ये दूध की बॉटल्स हैं यहाँ पर इस तरह की मिलती है। ये भी दूध है, नीज में है, अभी भी फ्रांस जो में है, नीज एक सिटी है फ्रांस की, हाँ उसी की मार्केट में आए हम लोग। तो ये देखिए, ये सूखी हुई मछली है, यहाँ ऐसे भी करेंगे और ये उसको लोग लेके चले जाते हैं, और जब क्योंकि ख़राब नहीं होती ना, ये सूखी रख दी है। Later. तो ये रूम लिया है हमने, यहाँ पे सोते हैं बाथरूम, और ये है नहाने का एरिया। और एक रूम ये है, और एक रूम ये है, रूम ये आप देख सकते हैं। मेरी फेवरेट बालकोनी ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नजारा है, ये आप देख सकते हैं। और सामने ये अलमीरा है, और ये चार्जर के पॉइंट दे रखे हैं, और बाकी ये भी दे रखा है। तो अभी मैंने आपको होटल दिखा दिया है जो हमने भी लिया है, तो चलो नीस का एप्पल खा के देखते हैं कि कैसा होता है नीस का एप्पल। तो ये रही नीस की सड़कें।